मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मध्य रात्रि को खीर का वितरण किया गया, जिसमें 3000 लोगों ने खीर का सेवन किया। नांद्रा ग्राम पथराड़ में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गीता मंदिर परिसर में ग्रामवासियों के सहयोग से खीर का वितरण किया गया। लगातार 5वें वर्ष खीर रूपी औषधि पीने के लिए आसपास के लगभग 40 गांव के 3000 से अधिक लोग ग्राम पथराड़ पहुंचे, जहां 25 जड़ी बूटियों के मिश्रण से निर्मित खीर का सेवन किया गया। उल्लेखनीय है कि यह खीर दमा एलर्जी के मरीजों के लिए असरकारक होती है। SW24 न्यूज की ओर से शिवशंकर रोकड़े की रिपोर्ट। इनाम दे उसको हम इस प्रसादी में लगाते हैं, अन्यथा ये निशुल्क है, दवाई निशुल्क पिलाई जाती है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं और जिसकी जो स्वेच्छा हो वो देता है, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। इस कार्यक्रम में पूरा गांव का सहयोग रहता है और उससे कार्यक्रम सफल होता है। 21 तरह की जड़ी बूटियां लाकर सही मुहूर्त में सही समय पर कूट पीस कर बनाई जाती है और इसे एक अच्छे नक्षत्र में तैयार किया जाता है और उसके बाद शरद पूर्णिमा पर इसका असर 10 गुना हो जाता है, तो इसलिए इसे अर्धरात्रि मतलब कि 12 बजे रात को सभी को पिलाई जाती है और काफी लोगों को फायदा हुआ है। बोलो जो प्रसादी ले रहे हैं, ये विगत 5 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा शरद पूर्णिमा का, इसमें 21 तरह की जड़ी बूटियों को सही मुहूर्त में सही समय पर लाकर पीस कर कूट कर व्यवस्थित बना के यहाँ से हमारे क्षेत्र के 40 से 50 गांव के लोग आते हैं और काफी लोगों को फायदा भी हुआ है इस दवाई से। तो हर बार ये जो प्रसादी का कार्यक्रम है विगत 5 वर्षों से हम करते आ रहे हैं, इनमें श्वास दमा एलर्जी ये जो भी समस्याएं इसका निदान 100% हुआ है। यह शाम को खीर बना के उसमें मिला के सभी को पिलाना पड़ता है और इसका रीजन है कि शरद पूर्णिमा के रोज इस दवाई का असर 10 गुना बढ़ जाता है, तो आसपास के 40 से 50 गांव में के लोग आकर ये पीते हैं तो काफी लोगों को फायदा हुआ है। आज 3 से 3,500 लोग आज खीर पीकर गए हैं और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।